सही है। अच्छा एक चीज बताओ, नेट प्रॉफिट पर एक्सपेंस का क्या असर होता है? नेट प्रॉफिट पर एक्सपेंस का क्या असर होता है? नेट प्रॉफिट बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। पक्का? नहीं 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 सर, डिसिप्लिन है सर, ये देखिए। फिर से देखिए, नेट प्रॉफिट क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे सर, पढ़ने में काम देता। नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हो, नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस अगर दिखा रहे हो तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, जल्दी बताओ सर। घटेगा, घटेगी तो नेट प्रॉफिट घटेगी। अगर एक्सपेंसेस कम होगा तो बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगी। सही है, इतना सबको कॉमन सेंस है कि नहीं है? यस सर। सेम चीज यहाँ देखो, अगर इनकम बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। अगर इनकम घट रही है तो नेट प्रॉफिट घटेगा। सही है कि नहीं? सही है, सही है। ये कॉमन सेंस सबको क्लियर है? अब जब ध्यान से देखिए, जो आपने एक्सपेंस दिखाया, पीएल अकाउंट जब हम दिखाते हैं तो हम कभी पार्शियलिटी करते कि नगद को दिखाएंगे, उधार को नहीं दिखाएंगे? पार्शियलिटी नहीं करते, यहाँ तो सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे हम दोनों खर्चे दिखाते हैं। कौन से खर्चे? ऐसे एक्सपेंस जो नगद हुए, और ऐसे भी एक्सपेंस दिखाते हैं जो क्रेडिट है, जो उधार हुए। सही है कि नहीं? सही है। इनकम में हम दोनों इनकम दिखाते हैं, कैश इनकम भी दिखाते हैं और क्रेडिट इनकम भी। क्रेडिट इनकम भी मतलब एक्रूड इनकम जिसको कह लो, जो इनकम कमा लिया बट मिला नहीं, दोनों दिखाते हो ना। अब चूंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? तुमने ये खर्चा दिखाया, कैश खर्चा दिखाया, ठीक है चलेगा। ये खर्चा दिखाया, ये खर्चा नहीं चलेगा। आपको इसे नेट प्रॉफिट में वापस क्या कर देना है? आपने इसको घटा दिया है क्रेडिट एक्सपेंस को, तो इसको जोड़ देना है। कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो देखना है। इससे तो कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कैश एक्सपेंस से कैश का फ्लो होता है, लेकिन इससे कैश का फ्लो नहीं होता। तो ये आपने खर्चा घटा दिया है प्रॉफिट में, इसको घटाइए मत, वापस क्या कर ले? जोड़ दे, वापस ऐड कर देना। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं ऐड? सर नॉन कैश एक्सपेंस जो होता है, क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। अगर हम देख रहे हैं खर्चे साइड में कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, उसको वापस क्या कर दो? प्रॉफिट में ऐड। क्लियर है? और सर क्या ऐड करेंगे? ये तो ऐड करना समझ में आ गया। उसी तरह से आप इधर देखो, इनकम, ये जो क्रेडिट इनकम है, कैश इनकम दिखाया, उससे तो कैश का फ्लो हो रहा है। यस सर। लेकिन ये जो इनकम दिखाया, जो मिला नहीं है कैश, बस कमाया है मैंने, इससे कैश का फ्लो होगा? नो सर, नहीं ना होगा। लेकिन ये तुमने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में जोड़ दिया, जोड़ दिया है। जोड़ दिया है तो अब क्या करो, इसको लेस कर देंगे, हटा दो, क्योंकि ये नहीं, इससे कैश का फ्लो नहीं हो रहा है। तो नॉन कैश इनकम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। नॉन कैश इनकम क्या करने वाले हम लोग? लेस करने वाले। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बात पहले समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये बात समझ में आ गई ना? सर एक और चीज देखते हैं। अगर खर्चे में पता चलता है, कई ऐसे भी खर्चे दिखाते हैं जो क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। बात जरा समझना, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखा दिए हो, आप याद होगा पीएल अकाउंट में बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिखा देते हो। पता है कौन कौन से? एग्जांपल दूं मैं या आप लोग दोगे? जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, हमने बेच दिया, तो मशीन बेचने पे लॉस होता है? यस सर। वो भी इसमें दिखा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो आप यहाँ दिखा देते थे ना? यस सर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आप यहाँ दिखा देते हो, लेकिन ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग है। ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग है। तो यहाँ आपने भले दिखा दिया, तो ये खर्चे से क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो पे कोई असर पड़ेगा? तो ये हटा दो, ये खर्चा आपने घटा दिया, बट इसे क्या करिए, वापस क्या कर देंगे? यानी क्या चीज ऐड करते? नॉन ऑपरेटिंग। अगर एक्सपेंस भी कहीं कुछ दिख रहा है, कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी वापस क्या कर दो? जोड़ दो। यहाँ पे इनकम में भी तुम ऐसे इनकम कुछ दिखा देते हो, कौन से इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तुम यहाँ ऐड कर लेते हो अपने प्रॉफिट में। यस सर। लेकिन इसका असर क्या,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे पड़ेगा? नो सर। जिसे बैंक से इंटरेस्ट मिला, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिला है देखते हो ना, इंटरेस्ट मिला तो इनडायरेक्ट इनकम दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? यस सर। पीएल में दिखा देते हो। अच्छा ठीक है, ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये जो ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो ना, कौन सी इनकम कहलाएगी? इंटरेस्ट मिला, बैंक में एफडी किया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बताओ वो कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग है ना, ऑपरेटिंग तो नहीं ना है। अच्छा डिविडेंड मिला बताओ, डिविडेंड मिला है? इन्वेस्टिंग। आप पीएल के क्रेडिट साइड में दिखा देते हो इनकम में, लेकिन क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नो सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपने उसे अपने प्रॉफिट में जोड़ दिया, उसको भी क्या कर दो? लेस कर दो। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, समझ गए? इसको हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इसको हम लोग लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। सो ये चीज हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से? ये नाम सुने हो तुम लोग, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल? वर्किंग कैपिटल सुना आप लोगों ने? डे टू डे के खर्चों को चलाने के लिए, डे टू डे के खर्चों को चलाने के लिए जिस पैसे की हमें जरूरत होती है, जिस कैपिटल की जरूरत होती है, उस कैपिटल को क्या कहते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल। सिंपल, कार करने वाला कैपिटल। सही नहीं? सही। आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में डेली के कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, चाय पानी के खर्चे, भाड़ा देना है, मजदूरी देना है, कुछ ना कुछ खर्चे होते लगे रहते हैं हर दिन, स्टेशनरी का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, मेल पोस्टेज पोस्ट वोस्ट का खर्चा है, तो ये सब खर्चे देने पड़ते हैं ना, तो इन सब खर्चों को चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में हर दिन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। सही है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जितने भी आपकी करंट एसेट है, करंट एसेट सब लोग समझ रहे हो, पढ़े हो ना करंट एसेट? करंट एसेट भी भूल गए, पता है सर, एक साल से कम बात। ऐसी एसेट्स जिसको हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जिससे हम साल भर के अंदर प्रॉफिट कमा लें, सही है? और ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें साल भर के अंदर चुका देना, उनको क्या कहते हैं? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? वर्किंग कैपिटल समझ में आया? ये जो हम लोग कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ये जो कैश फ्लो निकाल रहे हैं, यहाँ हमने ना करंट एसेट से अभी कोई बात की, ना तो करंट लायबिलिटी वाली बात की। अगर इसको घटाने लेस करने पे जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? कैश फ्लो, ठीक है ना? उसको क्या कहेंगे? कैश फ्लो From operating activity before working capital changes. सर बड़ा लंबा लिखा है। हाँ लिखना पड़ेगा। ये यानी कि जो कैश फ्लो आपका आया, ये जो आपका है आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन ये क्या है? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि अभी ना तो आपने करंट एसेट डेटर से पैसा जो है अब ना तो उसे दिखाया, ना तो क्रेडिटर को जो पेमेंट किया ना उसको देखा, क्योंकि क्रेडिटर और डेटर दोनों क्या होते हैं? एसेट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अभी आपने उसने दिखाया है क्या? नहीं। सब उसको भी ध्यान देना। अब वर्किंग कैपिटल दिखाने की बात होती है, सेकंड स्टेप होता है, यानी पहले स्टेप वाला पहला हिस्सा ये दो हिस्से में निकलता है, दूसरा हिस्से में हम लोग क्या दिखाते हैं? वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा कितना। मैंने क्या बताया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस को भी दिखा दिया जाए। अच्छा एक चीज बताओ, डेटर से अगर पैसा मिलेगा, डेटर अगर घटेगा, यहाँ पे आपको हमेशा ऐसे दिखाया रहेगा डेटर बढ़ रहा है डेटर घट रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई मेरा देनदार है 50,000 का सपोज करो, अगर ये डेटर मेरा साल के शुरुआत में 50,000 था, साल के अंत में मान लो 30,000 रुपये हो गया, तो बताओ पैसा आया होगा कि गया होगा? आया होगा 100%। यस सर। फिर से ध्यान से सुनो तुम लोग, डेटर मेरे कितने के साल के शुरुआत में, सपोज साल के अंत में कितने डेटर रह गए? 30,000। बताओ क्या हुआ है? कैश आया है कि गया है? डेटर घटता कब है? देनदार मेरा कब घटेगा? डेटर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फारसी में समझ में आ रहा है क्या? डेटर कुछ और है क्या?
डेटर आज तक नहीं पढ़े ना तुम लोग? डेटर मतलब कस्टमर, दोस्तों क्या होता है कस्टमर, जिनको हमने उधार माल बेचा है। अगर आपने किसी को उधार माल बेचा है वो मेरा डेटर हुआ, क्या हो गया डेटर हुआ ना। और वो पैसा अगर देगा मुझे तो डेटर क्या होगा, तुम मान लो मेरे डेटर हो कितने के 50,000 के, कब कैसे कम होगा डेटर का, तुम्हारा जो अमाउंट है वो कैसे कम होगा जो तुम मुझे पैसा दे दोगे ना। तो कोई भी डेटर घटेगा कब, जो मुझे पैसा देगा या मेरे पास पैसा आएगा। और यही डेटर क्या होगा, 50 से मान लो 60 हो गया, इसका मतलब क्या होगा बढ़ गया, यानी हमने उसे और उधारी दी है, पैसा आया नहीं और चला गया और उधारी हो गई और उधार बिक्री की, उधार बिक्री की। अगर डेटा रिड्यूस हो रहा है तो दैट मींस कैश आ रहा है, तो क्या करना, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ना। यस, हम इसको सीधे ऐसे लिखते हैं, जब करंट एसेट इंक्रीज होगी, डेटर करंट एसेट होता है, डेटर घट रहा है करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करना, ऐड करेंगे, कैश क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा, समझ गए। और अगर वही करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही होगी तो लेस करेंगे, जस्ट उल्टा है। करंट एसेट अगर कभी इंक्रीज करेगी तो क्या करना, लेस करना, ये बात समझ में आया। अच्छा डेटर की जगह चलिए अगला अगला हिसाब किताब, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब समझ गए, लेनदार, लेनदार क्या होता है, लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार। अच्छा कोई क्रेडिटर है आपका, कोई क्रेडिटर है आपका, ठीक है ना, कोई क्रेडिटर है कितने का, अब वो क्रेडिटर मान ली हो गया, साल की शुरुआत में 50,000 से साल के अंत में 20,000 रुपए रह गया, इसका मतलब है क्या क्रेडिटर क्या हुआ, घटा हुआ, घटा है ना, क्रेडिटर क्या हुआ है, क्रेडिटर को हमने पैसा दिया होगा तभी तो क्रेडिटर घटेगा। मेरा लेनदार कम कब होगा, जब मैं लेनदार को पैसा दूंगा, तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो करंट एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे, लेस करना। अब इसका अपोजिट, करंट लायबिलिटी एक इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज ऐड, इंक्रीज करेगा तो ऐड करना। अब ये सब करने के बाद अब जो आ रहा है वही आपका है क्या, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आंसर, ये पूरा फॉर्मेट समझो, रटने से अच्छा है जो भी पॉइंट मैंने समझाया उसको समझो, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्रेडिटर मिटा दीजिए, क्रेडिटर 50,000, अब फॉर्मेट नोट कर लीजिए। अब स्टॉप कर दो क्योंकि क्वेश्चन है।